पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ईडी अर्धसैनिक बलों के साथ एक बार फिर से संदेशखाली पहुंच चुकी है। शेख शाहजहां द्वारा संदेशखाली और उसके आसपास जमीनों को कब्जाने का काम जो किया था शाहजहां शेख ने, उस पर अब ईडी की रेड चल रही है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमें देंगे। मुकेश, पहले भी शाहजहां शेख के समर्थकों ने एक बार ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, इस बार कितनी तैयारी के साथ ये टीम पहुंची है? देखिए, जो ईडी है उसने शेख शाहजहां जो है उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, और ये मामला जो है नया मामला है जिसमें जमीन कब्जाने को लेकर जो शिकायतें थी उस मामले में जो एफआईआर हुई थी पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा, उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। और उसी मामले में ईडी की टीम अर्धसैनिक बलों के साथ संदेशखाली पहुंची है, और इस बार जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 5 जनवरी को जब ईडी की टीम गई थी तो संदेशखली में जो शेख शाहजहां के लोग थे उन्होंने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था जिसमें ईडी के 5 अधिकारी घायल हुए थे। लेकिन इस बार ईडी पूरी तैयारी के साथ संदेशखली पहुंची है, और जो शेख शाहजहां के ठिकाने हैं कुल 4 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, और ये जो ठिकाने हैं ये शेख शाहजहां के हैं और उसके जो सहयोगी हैं उसके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। क्योंकि कई महिलाओं ने और कई लोगों ने ये आरोप लगाया था कि जो शेख शाहजहां है उसने बड़े पैमानों पर जमीनों पर कब्जा किया है, जो सरकारी जमीनें हैं उन पर भी कब्जा किया है और जो आम लोगों की जमीनें हैं उस पर कब्जा किया है, और ये भी आरोप था कि उन जमीनों पर कब्जा कर उसने जो मछली का कारोबार है वो शुरू किया है। तो उसको लेकर अब ईडी रेड कर रही है, जहां जहां पर कब्जा हुआ है उन तमाम प्रॉपर्टीज पर ईडी की रेड चल रही है। वहीं जो सीबीआई है उसने इसी मामले में जो ईडी अफसरों के साथ मारपीट का मामला है उस मामले में जो शेख शाहजहां का भाई है शेख आलमगीर, उसको आज पूछताछ के लिए बुलाया है, सम्मन जारी किया, उससे पूछताछ होगी। तो 2 एजेंसियों का बड़ा एक्शन है। पहला एक्शन ईडी का है जो संदेशखली एक बार फिर से पहुंची है और शेख शाहजहां के ठिकानों पर रेड कर रही है। दूसरा एक्शन सीबीआई का है जिसने बिल्कुल मुकेश लगातार सीबीआई और ईडी दोनों एक्शन में है और लगातार कार्रवाई चल रही है।